हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, गुड हो, वेल हो, फाइन हो और ऑसम हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ेंगे सेशन हाईजैकिंग। तो सेशन हाईजैकिंग एक्चुअली क्या होता है और उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसका रेमिडिएशन स्टेप्स क्या क्या होता है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो और इस चैनल में न्यूली आए हो, तो फिर आपको एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से, डू ए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल। ठीक है, ये तीन तो हम यूज करते आ रहे हैं। तो फिर अगर आपको पसंद लगी तो फिर शेयर भी कर देना। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है उसमें। सो किसको? साइबर टेक एजुकेशन। ठीक है, सो दिस इज द चैनल विच यू नीड टू हैव ए सब्सक्रिप्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ये डिस्कस नहीं करते हैं। लेट अस मूव टू द एग्जैक्ट सिनेरियो, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो हम इस वीडियो लेक्चर में ना खास करके पढ़ेंगे सेशन हाईजैकिंग। तो सेशन, फॉर एग्जांपल, सेशन हाईजैकिंग को समझने के लिए हम केस स्टडी एक ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर, ठीक है, एक सर्टेन ऑनलाइन वेबसाइट। लेट अस कंसिडर इन व्हाट ऑनलाइन वेबसाइट, सो वेयर यूजर लॉग इन टू एक्सेस देयर अकाउंट्स। ठीक है, सर्टेन अकाउंट्स को क्या करता है, यूजर्स लॉग इन करने के लिए यूजुअली होता है, राइट? सो अगर हम एक्सेस करेंगे सर्टेन अकाउंट्स, ऑफ फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उन सभी को बफर करने के लिए, हमारा ऑर्डर्स देखने के लिए, हमारा डाटा सब कुछ रहता है, राइट? तो उसको देखने के लिए हमारा यूजर आईडी से लॉग इन करना पड़ता है, राइट? सो वी एक्चुअली लॉग इन टू द डिफरेंट पोर्टल विथ यूजर आईडी एंड पासवर्ड, राइट? सो व्हेन ए यूजर लॉग इन, ठीक है, जब एक यूजर क्या हो गया, लॉग इन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, सर्टेन वेबसाइट को जब लॉग इन हो गया, तो उसमें क्या होता है, वेबसाइट क्रिएट ए सेशन एंड असाइन ए सेशन आईडी। तो वेबसाइट क्या करता है, एक सेशन को एस्टेब्लिश करता है और सेशन को असाइन करता है। जब सेशन को असाइन कर चुका होता है, वो एक सेशन आईडी जनरेट करता है। सो व्हाट एक्चुअली इट जस्ट टच, इट क्रिएट्स एन सेशन आई डी, राइट? सो इट क्रिएट्स ए सेशन आई डी, सो विच इज स्टोर्ड एज ए कुकीज इन द यूजर ब्राउजर। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या करता है, कुकीज के हिसाब से यूजर ब्राउजर में स्टोर करता है। ठीक है, विच इज स्टोर्ड एज ए कुकीज इन द यूजर्स ब्राउजर। ठीक है, हो गया। तो जैसे कि हम कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए एक्चुअली वेबसाइट में आता है, राइट? सो दिस एक्चुअली स्टोर्स द इंफॉर्मेशन, स्टोर्स द कुकीज। सो दिस आईडी इज यूज्ड टू ऑथेंटिकेट द यूजर। ठीक है, वो आईडी क्या करता है, यूज होता है किसके वजह से, किसके हिसाब से, ऑथेंटिकेट करने के लिए, और दूसरे बार हम हमारा जो लॉग इन होते हैं, राइट, तो उसको रिमीडिएट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए एक्चुअली होता है सेशन आईडी का एस्टेब्लिशमेंट। दूसरे बार जब भी वो अगेन लॉग इन करता है, उसको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली द सेशन आईडी इज बीन एस्टैब्लिश्ड, और इवन वी कैन से सेशन, और वी कैन से सेशन आईडी जनरेशन और क्रिएशन। ओके, नाउ इमेजिन, जैसे कि हम एक सिनेरियो इमेजिन कर सकते हैं अटैकर के सरफेस हिसाब से। सो व्हेन ए अटैकर और मैलिशियस अटैकर वांट्स टू हाईजैक द सेशन, ठीक है, एक सर्टेन सेक्शन को अटैकर क्या करता है, हाईजैक करने लगता है, ठीक है, ऑफ ए लेजिटिमेट यूजर। ठीक है, लेजिटिमेट यूजर का हाईजैकिंग करने लगता है, हु इज करेंटली लॉग्ड इन टू द ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है, वो क्या करता है, ऑनलाइन वेबसाइट को ऑलरेडी लॉग इन कर चुका होता है। सो हियर इज हाउ द अटैकर माइट एग्जीक्यूट द सेशन। ओके, सो हियर इज हाउ एक्चुअली द अटैकर माइट एग्जीक्यूट द सेशन। ओके, अटैक, सेशन हाईजैकिंग अटैक। ओके, सो कैसे करता है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेट मी इरेज दिस। ओके, डन 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 डन, या सो अटैकिंग कैसे स्टार्ट होता है कि पहले लीजिए स्निफिंग, SNIFFING, स्निफिंग। सो अटैकर इंटरप्ट द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन द लेजिटिमेट यूजर, ओके, एंड द ब्राउजर ऑनलाइन वेबसाइट। ओके, सो दिस कैन डन यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज पैकेट स्निफिंग ऑन ए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, और वी कैन से कंप्रोमाइजिंग ए राउटर। ठीक है, वो पब्लिक नेटवर्क से हो गया, या फिर कंप्रोमाइजिंग राउटर से हो गया, या फिर इवन वी कैन से पैकेट स्निफिंग। ठीक है, तो इन तीन हिसाब से, या फिर इन तीन के दौरान अंतर्गत जो भी होता है, राइट? सो दिस इंटरप्ट्स, ओके, अटैकर इंटरप्ट्स नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन द लेजिटिमेट यूजर ब्राउजर एंड द ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है, तो यह होता है स्निफिंग। उसके बाद स्टीलिंग सेशन आईडी। सो स्टीलिंग सेशन आईडी एज द यूजर इंटरैक्ट्स विद द ऑनलाइन वेबसाइट। जब यूजर क्या करता है, इंटरैक्ट करने लगता है एक सर्टेन सेशन
ओके, ऑनलाइन वेबसाइट को जब यूजर इंटरेक्ट करने लगता है, देयर ब्राउजर सेंड्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, उसका ब्राउजर क्या करता है, सेंड करता है क्या, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सेंड करता है दैट कंटेन्स द सेशन आईडी कुकीज, जो ऑलरेडी कंटेन करता है सेशन आईडी कुकीज को। द अटैकर कैप्चर द सेशन आईडी फ्रॉम द इंटरप्ट नेटवर्क ट्रैफिक। जब वो अटैकर क्या करता है, ऑलरेडी उस आईडी को कैप्चर कर लेता है, सेशन आईडी को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि उस आईडी स्टोर करने लगता है उसका लॉगिन क्रेडेंशियल्स। उसके बाद स्नूफिंग, तो अटैकर क्राफ्ट द मालिशियस एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड इंक्लूड द स्टोलन सेशन आईडी ओके इन द रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करता है, उस अटैकर जो मलिशियस एचटीपी रिक्वेस्ट को सेंड किया है, इट इंक्लूड्स द सेशन आईडी एंड ए रिक्वेस्ट हेडर। ठीक है, उसके बाद सेशन हाईजैकिंग द सेशन, सो द ऑनलाइन वेबसाइट अनअवेयर ऑफ द अटैकर, ठीक है, प्रोसेस द मलिशियस रिक्वेस्ट एज इट इज इफ आर कमिंग ओके फ्रॉम द लेजिटिमेट यूजर वेब ब्राउजर। ओके, सो सिंस द रिक्वेस्ट कंटेन्स द वैलिड सेशन आईडी, द वेबसाइट अस्यूम्स इट्स अ लेजिटिमेट यूजर और लेजिटिमेट पर्सन एंड रिक्वेस्ट एंड ग्रांट द एक्सेस टू द अटैकर। ओके, सो दिस इज हाउ एक्चुअली द सरफेस वो एक्चुअली हैपेंस, स्निफिंग, स्टीलिंग द सेशन आईडी, snoofing and hijacking. So unauthorized access, with the assist of the hijacker session, the attackers can perform everything. So once it comes into the radar, it will definitely behaves as a it will do some activity that is not even legitimate, right? So that's the thing actually here we actually want to discuss about. Okay, then after coming to the discussion of this, so पहला होता है क्या होता है, सेशन हाइजैकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर एन अटैकर टेक्स कंट्रोल ऑफ एन यूजर सेशन आफ्टर सक्सेसफुली अपटेनिंग और गेसिंग देयर सेशन आईडीज। सो दिस अलाउज द अटैकर टू इंपर्सोनेट द यूजर एंड परफॉर्म एक्शंस ऑन बिहाफ पोटेंशियली गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और परफॉर्मिंग मलिशियस एक्टिविटीज। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, हम ये ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं। सो हियर द केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम एक केस स्टडी भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट हम टाइप्स ऑफ सेशन हाइजैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट यूआरएल्स, डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट डिफरेंट सेशन से होता है। ठीक है, नॉट ओनली वेबसाइट बट ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिशिंग से भी होता है ये वाला। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग, सो वो एक होता है एक्टिव सेशन हाईजैकिंग, पैसिव सेशन हाईजैकिंग। सो अटैकर्स एक्टिवली इंटरप्ट्स एंड मॉडिफाइज द डाटा पैकेट्स ऑन स्ट्रीम द मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन रियल टाइम। ओके, उसके बाद पैसिव में क्या होता है, अटैकर पैसिवली रिमोट और मॉनिटर द नेटवर्क ट्रैफिक एंड कलेक्ट द सेशन आईडी विदाउट मॉडिफाइंग एनी data packets. So this approach is less detectable but requires more effort to obtain the session ID. ठीक है, तो ये होता है passive session hijacking. ठीक है, दो होता है session active hijacking, दूसरा होता है passive session hijacking. So these two types we must and should have to learn. Okay. उसके बाद common techniques. Okay. कॉमन टेक्निक्स एंड टूल्स। सो पैकेट स्निफिंग, तो एक्चुअली क्या होता है कि अटैकर बेसिकली यूजेस ओके टूल्स लाइक वायरशार्क और टीसीपी डंप टू कैप्चर नेटवर्क ट्रैफिक एंड एक्सट्रैक्ट सेशन आईडीज। ओके, सो द क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके, सो हियर द अटैकर इंजेक्ट द मलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेब पेज और स्टील्स द सेशन आईडी फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड यूजर्स। उसके बाद मैन इन द मिडिल अटैक, सो एक है पैकेट स्निफिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जेड एक्सेस ओके एक्स सॉरी एक्सएसएस ओके उसके बाद मैन इन द मिडिल मिटिंग। ओके, इन तीन कॉमन टेक्निक्स को एक्चुअली यूज करता है। सो पैकेट स्निफिंग, जैसे कि हम पढ़ाई कर चुके हैं, यूजेस वायरशार्क और टीसीपी डंप टू कैप्चर द नेटवर्क ट्रैफिक एंड एक्सट्रैक्ट द सेशन आईडी। ठीक है, दो यूज होता है टूल्स, एक है वायरशार्क और एक होता है टीसीपी डंप। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में एक्चुअली क्या होता है कि इंजेक्ट मलिशियस कोड स्क्रिप्ट इनटू वेब पेज एंड टू स्टील द सेशन आईडीज फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड अनसस्पेक्टिंग यूजर्स। मैन इन द मिडिल अटैक में क्या होता है, अटैकर इंटरप्ट्स एंड अलर्ट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज एंड स्टील द सेशन आईडी। ठीक है, टू पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन एंड स्टील द सेशन आईडीज। सो अटैक मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, पहला है क्या होता है, इंक्रिप्शन, इंप्लीमेंट सिक्योर इंप्लीमेंटेशन और कैन से इंप्लीमेंटिंग सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सच एज एचटीपीएस।
अगर हम इंक्लूड करेंगे हमारा वेबसाइट को टू इनक्रिप्ट द डाटा ट्रांसमिट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के जब इस्टेब्लिश होता है, अगर हम HTTPS रिक्वेस्ट हम इस्टेब्लिश करेंगे इंक्रिप्शन के लिए, तो एक डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मेकिंग हार्डर टू अटैकर टू इंटरप्ट द सेशन आईडी को इंटरप्ट करने में डिफिकल्ट उनको होता है। उसके बाद सेशन मैनेजमेंट, तो सेशन मैनेजमेंट के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, यूजर टेक्निक्स लाइक सेशन एक्सपायरेशन हो गया, स्टोलन रीजनरेशन हो गया, उसके बाद सिक्योर कुकीज फ्लैग्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ सेशन हाईजैकिंग, ये सब होता है सेशन मैनेजमेंट। नेटवर्क सिक्योरिटी हम डिप्लॉय कर सकते हैं IDS एंड IPS सिस्टम्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द सेशन। ओके, इनपुट वैलिडेशन भी हो गया, वैलिड एंड सैनिटाइज यूजर इनपुट, ओके, टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो अगर ले लें तो फिर सेशन फिक्सेशन हो गया, तो अटैकर ट्रिक्स द यूजर इनटू यूजिंग प्री डिफाइंड सेट ऑफ सेशन आईडीज अलाउइंग देम टू मेक एन एस्टैब्लिशमेंट एंड हाईजैक द सेशंस। ओके, सो वंस द यूजर ऑथेंटिकेट्स, ओके, उसके बाद कुकीज स्टीलिंग, तो अटैकर्स बेसिकली एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज इन द वेबसाइट टू स्टील द सेशन कुकीज, ओके, स्टोर्ड ऑन द यूजर्स डिवाइस। ठीक है, ये हो गया रियल टाइम वर्ल्ड सिनेरियोस। लीगल एंड एथिकल इम्प्लिकेशंस, लीगल जैसे कि हो गया इलीगल थिंग्स, राइट, दिस आर बेसिकली कम्स अंडर द लॉ इम्प्लिकेशंस। तो केस स्टडी है लिंक्डइन और एक है फायरशिप। सो इन 2012 में क्या हुआ, लिंक्डइन सफर्ड ए मेशन सेशन हाईजैकिंग इंसिडेंट वेयर मिलियंस ऑफ यूजर पासवर्ड वेयर कॉम्प्रोमाइज्ड। उसके बाद 2010 में भी सेम हो गया कि अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क, ओके, अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क को रेज करके एक्चुअली एस्टैब्लिश हो गया। तो ये दोनों केस स्टडीज है। ओके, बाय अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स ऑफ दिस, राइट, इंप्लीमेंटिंग एप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्टेप्स, तो बेसिकली वी कैन टेक सर्टेन इंस्टीट्यूट कैन टेक एंड बेटर प्रोटेक्ट देयर सिस्टम्स। ठीक है, ये हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं विदाउट दिस अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो दिस इज ऑल अबाउट फोक्स।